हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो उसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। अब ये एक्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब ये कि ये 1948 एक्ट इसको क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि ये जो एक्ट है ये 1948 में यानी 1948 में लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है 1948, ठीक। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट क्या है। ये तो है काफ़ी लंबा, बहुत सारे इसके सेक्शन हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसमें क्या बातें की गई हैं, किस चीज़ से रिलेटेड बातें हैं, उसको हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सा देखेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पर इसका जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ें जहाँ पर आएंगी, जो टॉपिक आएगा, उसको हम लोग फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है, ये रूल्स का एक सेट है, ठीक है। यानी बहुत सारे रूल्स हैं छोटे छोटे, उनको जमा कर दिया गया सेक्शन बना के, चैप्टर बना के, ठीक है। तो उन सब का ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन, एक सेट है। सेट का मतलब ये कि बहुत सारे जिसमें जोड़ दिए गए, आपने सुना होगा ये टी सेट है, ये डिनर सेट है, तो उसमें बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे रूल है, तो ये रूल्स का क्या है, सेट है, ठीक। इन विच फार्मेसी प्रोफेशन प्रैक्टिस कोर्स ड्यूरेशन, इसको टाइमिंग को ड्यूरेशन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन पेनाल्टीज एंड थिंग्स यानी एंड अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू फार्मेसी मेंशनड। तो इस ये जो एक्ट है ये क्या है, रूल्स का क्या है, सेट है, यानी बहुत सारे रूल्स है इसके अंदर। अब किस चीज़ से रिलेटेड है, इस रूल में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसमें फार्मेसी प्रोफेशन, उसकी प्रैक्टिस। अब फार्मेसी प्रोफेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाना और क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज ये सब जो चलाना, तो ये सब क्या है, प्रोफेशन है इसका, ठीक। ऐसे ही जो इसके प्रैक्टिस है यानी दवा बनाना बेचना, इस सब चीज़ों के बारे में। तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है, फार्मेसी प्रोफेशन प्रैक्टिस, फिर इसका कोर्स कैसा पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा कोर्स इसका, फिर उसमें क्या ड्यूरेशन कितना होगा, यानी जो कोर्स है मान लीजिए डिप्लोमा है तो 2 साल का है और बी फार्मा है तो वो 4 साल का है, तो उसका ड्यूरेशन। ऐसे ही उसकी क्वालिफिकेशन यानी आदमी क्वालिफाइड इसको कितना पढ़ेगा, कितना परसेंट है वो मार्क्स लाता है तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। और दूसरे ये कि क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि बाहर से किसी कोई दूसरा कोर्स करके आया तो उसको भी क्वालिफिकेशन देने का इसमें क्या प्रावधान है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन में आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि आदमी उस काबिल हो गया है, उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन उसके। और ये कि अगर कोई रूल्स को नहीं मानता है तो उसको क्या पेनाल्टीज दी जाए, कितनी पेनाल्टी उसके ऊपर लगेगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या डिस्कस की गई हैं। और भी बहुत सारी इसी फार्मेसी से रिलेटेड जो चीज़ें वो इसके अंदर क्या है, मेंशन है इस एक्ट के अंदर। अब इसके थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो रूल फॉर द फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। तो आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस मतलब आजादी जो हमारी हुई 1947 में, तो उससे पहले फार्मेसी के प्रैक्टिस यानी फार्मेसी से रिलेटेड समझ लिया कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे अच्छे से, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस और एजुकेशन के लिए कोई रूल नहीं था इंडिया के अंदर। द ड्रग इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट दैट द फार्मेसी प्रैक्टिशनर शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। तो एक कमेटी है, कौन सा, इंक्वायरी कमेटी, ड्रग को बड़ा कर लीजिए, ड्रग इंक्वायरी, ये कमेटी है। तो इसने क्या किया, सरकार से रिकमेंड किया, उससे कहा कि आप ऐसा करिए कि फार्मेसी के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी दवा वगैरह दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाइए कि उनकी क्वालिफिकेशन कैसी हो कि जो वो लोग काम कर सके, यानी कि जिसका मन कर रहा है वही आके फार्मेसी में घुस जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन बना दीजिए कि जो उस रूल और रेगुलेशन पे पूरा खरा उतर रहा है, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन पाई जा रही है जो आपने सेट किया है, तो वही आदमी क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस में आ सकता है। तो ये रिकमेंड किया किसने, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने, ठीक है। फिर इसी तरीके का एक रिकमेंडेशन किसने किया, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। एक कमेटी क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट, इसने भी इसी तरह की क्या किया, सरकार से कहा कि आप एक मतलब एक्ट बनाइए, इस जैसा एक कानून बनाइए। जब ये लोगों ने ये रिकमेंड किया तो फिर सरकार ने क्या किया, फार्मेसी एक्ट को क्या किया, बनाया। अब ये नहीं कि सरकार ने खुद ही बना दिया, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो दवाओं के जानने वाले हैं, रूल्स को, सारी चीज़ों को, हर तरह के एक्सपर्ट को अपने पास जमा किया, फिर एक क्या किया, एक्ट बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने। अब फिर जब वो एक्ट बन गया तो उसको इन्फोर्स कब किया, यानी उसको लागू कब किया, तो 1948 में। ये याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट है ये कब लागू किया गया, तो कब लागू हुआ, 1948 के अंदर। अब ये क्यों बनाया गया,
इसकी क्या ज़रूरत थी, तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्या मकसद बोलते हैं ना, क्या मकसद था, क्या गोल था, क्या टारगेट था इसको बनाने के, तो टू रेगुलेट प्रोफेशन एंड, ये एंड है, ठीक है, एंड फार्मेसी प्रैक्टिस इन बेटर वे। उस वक्त भी लोग मतलब फार्मेसी में काम कर रहे थे, लेकिन उसको और अच्छे से किया जाए, एक स्टैंडर्ड लेवल पे किया जाए, उसको अच्छे से करने के लिए ये क्या किया गया, ये एक्ट बनाया गया, ताकि जो फार्मेसी का जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, इसको अच्छे से अच्छा किया जाए। दूसरा क्या था, टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। दूसरा मकसद क्या था इसको बनाने का, कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसके स्टेटस को, यानी उसके जो उसका जो ओहदा है, उसका जो एक बोलते हैं ना जो रुतबा है, जो मकाम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उसके वैल्यू को थोड़ा सा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये भी एक मकसद था। तीसरा क्यों बनाया गया ये एक्ट, टू मेक अ गुड स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन, कि जो फार्मेसी का एजुकेशन जो पढ़ाई है उसके लिए कुछ अच्छे से स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। ये नहीं कि आदमी आर्ट साइड से वो भी आके फार्मेसी कर ले रहा है, उसने उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी जाके डिप्लोमा कर रहा है, तो कहा कि नहीं, कुछ क्राइटेरिया बनाए जाएँ, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँ किसके, फार्मेसी एजुकेशन के लिए, ठीक। और क्या था, टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक मकसद इसका ये भी था इस एक्ट का, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब समझिए कि उसको एस्टेब्लिश किया जाए, उसको क्रिएट किया जाए, उसको मेडअप किया जाए, यानी बनाया जाए, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूट, ये काफ़ी बार आने वाला, आगे बार बार आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, कि संगठित करना, बनाना, क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, आगे इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, PCI, ठीक है, PCI के बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो PCI एक कमीशन है, इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसको बनाना भी क्या था, एक मकसद था। ये मतलब ये जो आपका एक्ट है उसको इसलिए भी बनाया गया कि एक मकसद था कि PCI को क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बनाया जाए। पाँचवा क्या है, टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये सब चीज़ें सारी मिलती जुलती हैं, समझ लीजिए, ये खाली पॉइंट्स बनाने के लिए इस तरीके से किया गया है, वरना तो दो ही तीन मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक। अब क्या है, फार्मेसी जो इंस्टीट्यूशन है, यानी जो स्कूल कॉलेज जहाँ पे मतलब फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, तो उनको अच्छे से रेगुलेट किया जाए, चलाया जाए, और ख़ास तौर से डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो हैं, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए भी क्या है, ये एक्ट बनाया गया। अब इसके कुछ डेफिनेशन आपको देखने हैं, कुछ डेफिनेशन ऐसे हैं जो मतलब आपके इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपके इसमें आएंगे, तो उनमें हम लोग पहले देख लेते हैं, ताकि आपको बार बार वहाँ समझाना ना पड़े, और आपके सिलेबस में भी दिया है खाली डेफिनेशंस, तो ये फिक्स नहीं किया कि कौन से डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं या समझने हैं। ये 8-10 हम लोगों ने लिए हैं खास, जो मतलब जिनके आने के चांसेस हैं, और जो मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं आगे चैप्टर्स में। तो सबसे पहला क्या है, सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल कुछ नहीं है, सेंट्रल काउंसिल मतलब PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज़ क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो सेंट्रल काउंसिल अगर बोला जाए, तो इसका मतलब ये कि PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बस इतना समझिए। अब इसको कैसे बनाया गया, तो ये जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, उसमें ये कहा गया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप सब आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या, स्टेट काउंसिल। तो काउंसिल का मतलब समझिए कमेटी, ठीक है। अब आप ऐसे समझ गए होंगे कि ये सेंट्रल है, यानी मतलब पूरे नेशनल लेवल पे है, और ये स्टेट काउंसिल है, यानी ये स्टेट लेवल पे है, एक राज्य के लेवल पे है। इट मींस द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे कि PCI है, ये क्या है, पूरे नेशनल लेवल पे है, सबको कंट्रोल करती है, उसी के अंडर में क्या है, हर राज्य में इन्होंने अपना क्या है, समझ लीजिए, आदमी बना रखे हैं, तय कर रखे हैं, तो वो स्टेट लेवल का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। क्रिएटेड अंडर सेक्शन 19, ये जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये जो हमारा एक्ट है 1948, उसके सेक्शन 19 में उसके बारे में कहा गया था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और इसका मतलब ये भी होता है, स्टेट काउंसिल का मतलब और क्या होता है,
ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। इसका दो मतलब होता है, स्टेट काउंसिल का मतलब एक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और दूसरा क्या है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपके अभी इसके चक्कर में नहीं जाना है, आगे सब डिटेल से आने वाला है कि ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है। और ये जो है, ये जो हमारा एक्ट है 1948, उसके सेक्शन नंबर 20 में इसको बारे में कहा गया था कि ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। अब क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप जानते ही हैं कि ए पर्सन हुज नेम इज़ इंटर्ड, यानी क्या है रिटर्न या लिखा गया है इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही और शी इज लिविंग प्रेजेंटली और डूइंग हिज फार्मेसी प्रैक्टिस। क्या मतलब है, ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो आदमी है, वो शख्स है जिसका नाम क्या है, जो फार्मासिस्ट का एक रजिस्टर है, एक स्टेट लेवल पर भी होता है ये रजिस्टर, जिसमें फार्मासिस्ट का नाम लिखा जाता है, यानी जिसने ड्रग लाइसेंस ले लिया वो क्या है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उसका नाम फिर वहाँ पर लिख दिया जाता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। और जो PCI है वो अपने क्या जो उसका गैजेट होता है उसमें उसका नाम भी मेंशन कर लेती है कि हाँ इसको भी हम लोगों ने क्या किया अपने उसमें अपने रजिस्टर में इसको हमने अपने लिख लिया है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी लिखता है, तो पहले इस आदमी को जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसको अपने जिस स्टेट में वो रह रहा है या जिस स्टेट में वो काम कर रहा है वहाँ की स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके थ्रू क्या करना रहता है, उसको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो जिसने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। चौथा क्या है, फर्स्ट रजिस्टर, या फर्स्ट रजिस्टर क्या है, तो इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा रजिस्टर है जो कि हमारा जो फार्मेसी एक्ट है उसके चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में कहा गया था बनाने के लिए, फर्स्ट रजिस्टर। और ये क्या है, जब हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल अभी नहीं बनाता, जो स्टेट लेवल पे लोगों को रजिस्टर करता है, अभी ये नहीं बनाता स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो उससे पहले जो था वो क्या गवर्नमेंट खुद ही मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के पास जाते थे, यानी गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास, और लोग क्या करते अपना नाम रजिस्टर करवाते थे। तो उन लोगों का नाम जिनका कि अभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनने से पहले गवर्नमेंट ने रजिस्टर किए थे नाम, जिनको मतलब लाइसेंस दिया था, तो उन लोगों को हम लोग क्या उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। अब पांचवा क्या है, सेंट्रल रजिस्टर, इट मींस द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल रजिस्टर का मतलब क्या है कि ये वो रजिस्टर है फार्मासिस्ट का, यानी ये वो एक रजिस्टर है जिसमें मतलब पूरे इंडिया के लेवल के जितने भी फार्मासिस्ट लोग हैं सबका नाम उसमें किया गया जाता है, मेंशन किया जाता है, और उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल काउंसिल यानी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। एक इसमें टर्म है डिस्प्लेस्ड पर्सन, तो डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या होता है, इट मीन्स अ पर्सन हु वाज लिविंग इन दैट एरिया ऑफ इंडिया इन विच इज नाउ इन पाकिस्तान, ही हैज़ लेफ्ट दैट एरिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक सिविल डिस्टर्बेंस फियर आफ्टर 1 मार्च 1947 एंड नाउ लिविंग इन इंडिया। क्या मतलब इसका कि डिस्प्लेस्ड पर्सन वो है कि एक आदमी जो पहले इंडिया के उस एरिया में रहता था जो अब इंडिया में नहीं रहा, वो पाकिस्तान में हो गया, समझ में आ रही बात। मान लीजिए पंजाब का इलाका है कोई, कि कोई आदमी वहाँ पे रहता था, तो जब हमारा देश अभी दो टुकड़े नहीं हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया नहीं अलग अलग बन हुए थे, तो वो उस वाले एरिया में रहता था, लेकिन जब हमारा बंटवारा हो गया, हमारा जब बंटवारा हो गया, तो वो आदमी जो वहाँ पे रह रहा था वो डर की वजह से या किसी और वजह से या वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसकी वजह से उस एरिया को छोड़ के वो इंडिया में आ गया। वो पहले जहाँ पे रह रहा था वो पाकिस्तान में पढ़ रहा था, तो फिर वो उस एरिया को छोड़ के क्या हुआ, इंडिया में आ गया। कब आया, एक मार्च 1947 के बाद आया, उससे पहले आया नहीं, 1 मार्च 1947 के बाद वो उस एरिया को छोड़ के इस एरिया में इंडिया में आके अब रहने लगा। पहले वो रह रहा था उस एरिया में जो अब पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक। अब एक टर्म है रिपेट्रिएट, तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ पर्सन हु वॉज लिविंग इन दैट एरिया ऑफ इंडिया विच इज़ नाउ इन बर्मा, श्रीलंका और युगांडा। वही सेम कंडीशन इसमें है कि एक आदमी था जो मतलब इसमें जो सिर्फ डेट का फ़र्क है, 14 अप्रैल 1957 से पहले जो किसी बर्मा में या श्रीलंका में या युगांडा वाले इस एरिया में रह रहा था वो, लेकिन किसी डर की वजह से या वहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी और वजह से वो क्या हुआ, वो भाग के इंडिया में आ गया। कब, आफ्टर
14 अप्रैल 1957 यानी 14 अप्रैल 1957 के बाद वो इंडिया में आके भाग के आ गया, या जैसे भी आ गया और इंडिया में अब रहने लगा वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपेट्रिएट। समझ में आ गया। अब एक टर्म है UGC, ये भी आएगा बार बार, तो इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक कमेटी है जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को क्या करती है, देखती है उसमें कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कौन सा सिलेबस आना चाहिए, जो यानी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है जो कमीशन या जो कमेटी, वो क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा। अब PCI जो मेन टॉपिक है, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, समझ लीजिए ये बहुत मेन टॉपिक है कि PCI क्या है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है, या इसके बारे में ब्रीफली लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो PCI अब तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप डिटेल से देखते हैं हम लोग। तो PCI इसका मतलब क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्रिएटेड यानी बनाया गया, अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, यानी जो हमारा फार्मेसी एक्ट है 1948, उसके सेक्शन 3 में इसके बारे में पूरा बताया गया है, इसको बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कितने मेंबर कैसे जुड़ेंगे, वो सब कुछ इसमें है। तो उसी मतलब हमारे एक्ट के अंडर में इसको क्या किया गया, बनाया गया। फर्स्ट टाइम इट वॉज क्रिएटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949। तो पहली मरतबा जब इसको बनाया गया PCI को, तो किसने बनाया, मतलब किसने मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया, लोगों को किसने इसको पूरी जिम्मेदारी संभाली। तो सबसे पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी 1949 के अंदर, तो उसने इसको क्या किया, बनाया सबसे पहले, यानी जो एक्सपर्ट लोग थे उनको मिलाया, मशवरा किया, और फिर क्या किया, इसको कुछ लोगों की कमेटी बना दी 1949 के अंदर। ठीक है, क्यों बनाया गया, टू रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, यानी दवा वगैरह बेचना बनाना और ख़रीदना बेचना जो भी है, दवाओं से रिलेटेड जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, ऐसे ही जो उसका प्रोफेशन यानी पढ़ाई लिखाई और यूनिवर्सिटी कॉलेज इसके जो भी हैं, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, PCI बनाया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब एक बात याद रखिए इसमें कि इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओवर एवरी फाइव ईयर्स, ये कि हर 5 साल के बाद इसको क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी फिर से इसको पूरा बनाया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो पहले मेंबर थे सबको हटा दिया जाए, बल्कि हो सकता है कुछ मेंबर उसमें से भी फिर से सेलेक्ट किया जाए। कैसे बनता है आगे आप पढ़ेंगे कि फिर कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कितने लोग जुड़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेंबर, तो इसमें जो है ये 3 तरह के मेंबर इसमें होते हैं। 3 तरह के मेंबर मतलब उनके सिलेक्शन के हिसाब से क्या है, 3 तरीके से इनको सेलेक्ट किया जाता है। इसके जो मेंबर रहते हैं वो तकरीबन कितने मेंबर होते हैं, 69 मेंबर होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो मैंने इनके मतलब वेबसाइट पे दे रखा अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं, 69 मेंबर हैं इनके अभी, आप देखेंगे जाके गूगल पे सर्च करके, तो इनके वेबसाइट पे जाके इन्होंने डाल रखा, पूरे नाम दे रखे कि कौन कौन है इसमें और कितने किस तरीके से उनको मतलब चुना गया है। तो कितने मेंबर होते हैं, 69 मेंबर होते हैं, इनको 3 तरीके से चुना जाता है, 3 तरीके से मतलब इनको सेलेक्ट किया जाता है इन मेंबर्स को। तो एक तरीका होता है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर, और तीसरे होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको कि नॉमिनेटेड क्या होते हैं और इलेक्टेड क्या होते हैं। तो इसको आप समझिए कि आप अपनी क्लास में हैं और आपकी क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक को मॉनिटर बनाया जाता है, जिसको हम लोग अब आप ऊँची क्लास में जब आ जाते हैं उसको कहते हैं कि CR, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो कभी ऐसा होता है कि जो क्लास के बच्चे हैं सब उन्हीं लोगों ने आपस में क्या किया, मशवरा किया, सलाह किया, और एक आदमी को चुन लिया, आपस में खुद ही उन लोगों ने एक को किसी को चुन लिया, तो ये होता है इलेक्टेड। एक दूसरा तरीका होता है CR चुनने का या मॉनिटर चुनने का, कि जो आपके टीचर हैं या जो आपका मतलब आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो मान लीजिए डायरेक्टर हैं या जो वहाँ के हेड मास्टर हैं, उन्होंने क्या किया, हर क्लास में अपने खुद से मतलब बच्चों से नहीं पूछा किसको बनाया जाए नहीं बनाया जाए, खुद से एक को कह दिया कि भाई तुम इस क्लास का ये लड़का जो है वो मॉनिटर रहेगा, उस क्लास का जो है वो लड़का मॉनिटर रहेगा। तो ये जो तरीका है कि क्या इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड, समझ में आया। एक तो मतलब खुद लोग आपस में एक को चुन लें, तो वो होता है क्या, जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ने अपने आप में से एक को चुन लिया तो वो हो जाएगा इलेक्टेड। और ये कि ये खुद अपने में से ना चुने, बल्कि इन्हीं में से कोई दूसरा चुन के एक को बता दे कि ये आदमी क्या तुम्हारा CR रहेगा या तुम्हारा क्या मॉनिटर रहेगा, तो ये जो होगा इसको बोलते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। अब एक इसमें एक्स ऑफिशियल मेंबर, तो ये सबसे आसान है कि ये 3 मतलब अलग अलग हमारी कमेटी है हमारे इंडिया के अंदर, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं
वो कमेटीज़ क्या हैं आगे आने वाली है, तो उनके जो डायरेक्टर हैं उनको ला के वहाँ पर बिठा दिया जाता है। यानी चाहे उस वक्त में कोई भी डायरेक्टर हो, जब इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस वक्त में उन कमेटीज़ का जो डायरेक्टर रहेगा वो इसका मेम्बर क्या होता है, बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियल मेम्बर। यानी एक आदमी जो है पहले से किसी ऑफिस में बैठ रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ है, काम अपना कर रहा है, लेकिन उसको ला के फिर से मेम्बर बना दिया जाता है किसी और चीज़ का, किसी और जगह पर, तो वो होता है एक्स ऑफिशियल मेम्बर। ठीक, अब ये आपको पूरा एक फ्लो चार्ट अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको समझ लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन एक हल हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई आपके सिलेबस में है कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई, यानी पीसीआई को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी किस तरीके से इसके मेंबर चुने जाते हैं। तो मैंने बताया एक तरीके के इसके मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, जो आप समझ चुके हैं। तो 6 मेंबर कौन इसमें से वो करता है, नॉमिनेट करता है, यूजीसी करता है। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये 6 मेंबर क्या करता है, सेलेक्ट करके भेज देता है, समझ लीजिए ये खुद चुन के कि ये लोग हैं, ये क्या होंगे, ये मेंबर होंगे इसके पीसीआई के। अब ये कहाँ से सेलेक्ट करता है, तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं में से वो देखता है कौन एक्सपर्ट है, कौन कैसा आदमी है, तो अपने हिसाब से 5-6 लोगों को क्या करता है, ये चुन के उसमें सेलेक्ट कर देता है। ठीक, अब कौन करता है, एक तो यूजीसी करता है 6 लोगों को, फिर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 लोगों को सेलेक्ट करता है। ठीक है, वो जिसको चाहे वो सेलेक्ट करता है, लेकिन इसमें ये कुछ शर्तें हैं, आगे आप पढ़ेंगे क्या शर्तें हैं। मतलब ये कि वो फार्मेसी से हो, यानी कि कोई मतलब कोई दूसरा सब्जेक्ट का है, वो क्या कहते हैं इंग्लिश का है और उसको ला के इसमें बना दिया जाए तो नहीं, बल्कि ये कि वो फार्मेसी डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ, उसके पास डिग्रीज वगैरह हों फार्मेसी की, तो उसको बनाया जाता है। तो 6 मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने आप से किसी को चुन के ला के बैठा देता है, तो वो होते हैं नॉमिनेटेड। और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितने लोगों को, 37 मेंबर वो सेलेक्ट करता है। समझ में आ रही बात, जो हर स्टेट है, हर स्टेट अलग अलग स्टेट हैं, तो वो सब क्या करते हैं, एक एक मेंबर अपना सेलेक्ट करके भेज देते हैं। अब 37 मेंबर होते हैं, यानी हर स्टेट का, चाहे वो यूनियन टेरेटरी हो या तो आपका स्टेट हो नॉर्मल, तो हर स्टेट से एक मेंबर क्या होता है, सेलेक्ट होके आता है, जो फार्मेसी से रिलेटेड होता है। तो 37 मेंबर क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी हर स्टेट अपने अपने यहाँ से एक मेंबर को क्या करता है, भेजता है सेलेक्ट करके। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है वो खुद अपने में से एक आदमी को क्या करते हैं, भेजते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो उनकी अगुवाई करेगा, उनकी बात करेगा, तो एक मेंबर उनके यहाँ से होता है। और एक मेंबर होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AICTE। तो एक मेंबर इनका, ये लोग अपने में से एक, ये कमेटी है, तो ये एक अपना मेंबर क्या करते हैं, भेजते हैं सेलेक्ट करके अपने से खुद ये। तो ये इतने मेंबर होते हैं, तकरीबन हो जाएंगे ये आपके 51। तो 51 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, अब फिर अब जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर का क्या मतलब है कि अपने में से किसी को चुन लेते हैं। तो आपके जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो ये लोग अपने में से 24 लोगों को क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं पीसीआई के अंदर। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने में से किसी को, समझिए चुन लेते हैं। तो कितने को चुनते हैं, 24 मेंबर यहाँ से जाते हैं, और एक मेंबर जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमेटी है, तो ये लोग अपना एक मेंबर चुन के क्या करते हैं, भेज देते हैं। आपको ये फ्लो चार्ट याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, इसके 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके कितने होते हैं, इसके 25 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो मतलब इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 25। ठीक, और जो ये एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी हेल्थ सर्विस जो कमेटी है उसका जो डायरेक्टर होता है वो चला जाता है। और एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे डायरेक्टर लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है एक वो होता है, और तीसरा होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, एक कमेटी है, तो उसका जो एक डायरेक्टर होता है वो। तो ये 3 लोग इसमें से जाते हैं, जो एक्स ऑफिशियल होते हैं, 25 लोग जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, उनमें से 24 लोगों को कौन इलेक्ट करता है, जो हर स्टेट का स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो इलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है। और एक मेंबर होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और 51 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 69 मेंबर हो जाते हैं। अब ये कि अब यही जो हमने पूरा बताया है, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो कुछ मैंने बताया सब इसमें लिखा हुआ है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर दोबारा बताऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो मैंने अभी सब कुछ बताया वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको यहाँ से देख के याद कर लीजिएगा। अब ये कि इसका फंक्शन क्या है, ये मेन है, ये जो ये मतलब पीसीआई है, इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करती है,
तो इसका काम क्या है, डिज़ाइन ऑफ एजुकेशनल पैटर्न, यानी ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं जहाँ पे मतलब ये फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन हो रहा है, तो उनका क्या पैटर्न रहेगा, यानी कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, क्या कोर्स रहेगा, कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे, कब छुट्टी रहेगी, ये सब जो पैटर्न बनता है एजुकेशन का, कब एग्ज़ाम होंगे, कितने पेपर होंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये सब कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है, डिज़ाइन कौन करता है, PCI, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी सिर्फ आप याद कर लीजिए ऐसे ही, इसको आगे डिटेल से मैं बता रहा हूँ, आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मतलब कोई नया इंस्टीट्यूशन खुला, तो ये नहीं कि खोल मैं चाहूँ कि मैं अपने एक इंस्टीट्यूशन बना दूँ, वहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी कराने लगूँ, बी फार्मा कराने लगूँ, ऐसा नहीं होगा, मुझे क्या करेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए कि मैंने अप्रूवल नहीं लिया। जब हमारे यहाँ एक्ट है तो ये कि अगर कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई कॉलेज खोलना चाहता है तो उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल का मतलब है मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी हम लोग क्या करेंगे, काम कर सकते। तो कौन देता है ये अप्रूवल, ये देता है PCI। कैसे देता है, आगे अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कि अप्रूवल देता है, और मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल कॉलेज है, वो गड़बड़ी कर रहा है, वो सही से पढ़ा नहीं रहा है, या पैसे खा रहा है, बहुत दिक्कत, बच्चों को परेशान कर रहा है, चीटिंग करा रहा है, तो उसको क्या करता है, उसका अप्रूवल छीन लिया जाता है, वापस विदड्रॉल मतलब वापस ले लिया जाता है, कि अब इसके यहाँ से कोई फार्मेसी के कोर्स नहीं कर सकता, इसके जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चौथा क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि कोई बाहर से पढ़ के आया, डिप्लोमा करके आया, तो फिर उसका यहाँ पे उसको मतलब ये देखा जाता है कि अगर ये इस लायक है कि इसके अंदर वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है, तो उसको भी क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है कि हाँ ये इस लायक है। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान लेना, मान लेना, ठीक है। तो कोई बाहर से पढ़ के आया तो उसकी उसको एग्ज़ाम लेके फिर उसको भी मान लिया जाता है कि हाँ ये फार्मासिस्ट बन सकता है। ऐसे एक काम ये भी है कि जो फार्मासिस्ट लोग पढ़ चुके हैं, यानी सारे जो काम थे, डिप्लोमा कर लिया, फिर प्रैक्टिस कर ली, तो उनका रजिस्ट्रेशन का, तो ये कौन करता है रजिस्ट्रेशन, वो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, उसी के अंडर में आता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो वो करता है। फिर और क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो अब एक काम इसका क्या है, PCI का, कि जो सेंट्रल रजिस्टर है, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी लोग किसी भी स्टेट के हैं, जिन्होंने अपने आप अपने अपने स्टेट में अपना नाम रजिस्टर कराया एज ए फार्मासिस्ट, तो उन सबको फिर ये क्या करते हैं, अपने रजिस्टर में क्या करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो वो होता है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर। और क्या है, एजुकेशनल रेगुलेशन। एक काम का क्या है कि एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, यानी पूरा एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, तो वो क्या हो गया, एजुकेशन रेगुलेशन। इनके कुछ रूल रेगुलेशन है, वो सब हम लोग देखते हैं अभी। तो अभी पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका जो फंक्शन है वो क्या था कि डिज़ाइन ऑफ द एजुकेशनल पैटर्न। तो क्या होता है, द मेजर फंक्शन ऑफ PCI इज टू फ्रेम द कोर्स ऑफ फार्मेसी फॉर फार्मासिस्ट। तो इसका जो सबसे मतलब बड़ा एक काम है वो क्या है कि ये कोर्स को फ्रेम करता है। कोर्स को फ्रेम करने मतलब कोर्स को बनाता है, मतलब फ्रेम ये होता है फ्रेम ऐसे, तो यानी ये कोर्स को बनाते हैं कि कोर्स कैसे कितना लंबा रहेगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे, कब कितने पढ़ाए जाएंगे, कितने पीरियड्स होंगे, तो ये कौन करता है, ये फ्रेम करते हैं, यानी कोर्स को ये बनाते हैं। किसके कोर्स को, फार्मेसी में जो पढ़ाए जाने वाले किताबें हैं, सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उसको कौन क्या करते हैं, ये फ्रेम करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। एंड अपडेटिंग इट टाइम टू टाइम, और टाइम टाइम से इसको क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, यानी कि वो 20 साल पुराना जो चल रहा था उसी को पढ़ा रहे, नहीं, नई रिसर्च हुई, नई ज़रूरतें आईं, तो उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, सिलेबस को ये अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इनका, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कोई नया इंस्टीट्यूशन खुला है और वो अप्रूवल चाहता है, तो कैसे अप्रूवल मिलता है उसको, तो उसको ये लोग ही कंट्रोल करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में अप्रूवल मिलती है। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन बन गया तो एप्लीकेशन देता है वो, एनी इंस्टीट्यूशन विच वांट्स टू टीच फार्मेसी कोर्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फार्मेसी कोर्स पढ़ाना चाहता है, सेंड्स एन एप्लीकेशन टू द PCI, तो PCI को क्या करता है कि एप्लीकेशन लिख के उसके पास भेजता है अप्रूवल के लिए, टू कंडक्ट कोर्स और एग्जामिनेशन, कि वो अपने यहाँ पे क्या है, वो कोर्स यानी फार्मेसी का कोर्स पढ़ाना चाहता है और एग्जामिनेशन भी क्या करता है, करवाना चाहता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, जब उस इंस्पेक्शन का, जब उसके पास में एप्लीकेशन पहुंचता है, तो ये ऑन द रिसीविंग द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन उसके पास पहुंचता है PCI के पास, तो PCI पॉइंटेड इंस्पेक्टर्स टू विजिट द इंस्टीट्यूशन, तो अपने कुछ आदमियों को तय करता है कि जाओ तुम वहाँ पे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट मतलब क्या है, चेक करो जाके, ठीक है। तो भेजता है कि जाओ विजिट करो और देखो कि क्या सही में उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिमांड है, अगर रहता है तो फिर वो जो इंस्पेक्टर हैं जो चेक करने के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फैसिलिटीज़, यानी जो फैसिलिटीज़ के बारे में इन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन में बता रखे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर जो है वो
जो इंस्पेक्टर है जो चेक करने के लिए आए हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं कि हाँ सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो क्या करता है अप्रूवल दे देता है, और अगर वो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो क्या करता है रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आफ्टर विजिटिंग द इंस्पेक्टर सेंड देयर रिपोर्ट्स, जब वो लोग आके इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं तो फिर रिपोर्ट भेज देते हैं किसको, PCI को। ठीक है, अब PCI के पास जब रिपोर्ट पहुंचता है तो क्या होता है, इफ़ PCI सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उन्होंने भेजा है, जो अपने व्यूज़ भेजे हैं, अगर वो उससे PCI सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है हाँ ये सही है, तो वो अप्रूवल दे देता है, और अगर लगता है कि वो सही नहीं है तो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो रिजेक्ट कर देता है, यानी उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। ये हो गया सब। अब एक काम और करता है PCI, वो क्या होता है डिक्लेरेशन करता है, क्या करता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ पब्लिश्ड बाय द PCI इन ऑफिशियल गैजेट। ये कह रहे हैं कि जो उसका ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें अब इस इंस्टीट्यूशन का भी क्या करता है नाम वो मेंशन कर देता है, साल में इनका एक समझ लिए न्यूज़पेपर निकलता है, यानी इनका खुद का एक अपना वो पब्लिश करते हैं समझ लिए न्यूज़पेपर की तरह से, तो उसमें इसका भी नाम वो पूरा बताते हैं कि इस साल कितने लोग जुड़े, किनको अप्रूवल मिला, किनको नहीं मिला, और क्या क्या काम हम लोगों ने किया, तो अपना एक वो गैजेट देते हैं, यानी कि इस साल हम लोगों ने क्या किया नहीं किया, तो उसी को हम लोग गैजेट बोलते हैं। गैजेट क्या है, ये समझिए कि एक ये ऑफिशियल क्या होता है न्यूज़पेपर होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है पब्लिश करता है। अब विड्रॉवल क्या है इसका, मान लीजिए कि अब किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिल गया लेकिन वो काम सही से नहीं कर रहे, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो फिर क्या करता है वो उनके अप्रूवल को वापस छीन लेता है, यानी इनके जो उनको इजाज़त दी थी मंजूरी दी थी उस मंजूरी को ख़त्म कर देता है, कहता है कि अब तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अब अपने यहाँ पर कोई कोर्स करा सको, तो वही क्या है विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल। ठीक है, व्हेन द PCI रिसीव द रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कमेटी दैट एनी इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट फॉलोइंग ER, तो ये कह रहे हैं कि जब PCI को ये रिपोर्ट मिलता है एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो मतलब ER का यानी एजुकेशन रेगुलेशन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जब उसको ये रिपोर्ट मिलता है तो फिर PCI क्या करता है एक नोटिस भेजता है उस इंस्टीट्यूशन को उस कॉलेज को कि तुम अब तुम्हारा अप्रूवल क्या कर रहे हैं हम छीन रहे हैं वापस ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, तो जो PCI है इसका एक खुद अपने 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना देता है जो मतलब बहुत स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं कहीं पे जाके भी चेक कर लेते हैं ये लोग, तो वही लोग हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी इनका। ठीक है, ये ऑफिशियल लोग होते हैं तो ये लोग कहीं पे जाके देख सकते हैं या कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उसके रिपोर्ट को फिर आके वो चेक करते हैं। ठीक, तो वो लोग अगर नोटिस वो लोग रिपोर्ट अपना क्या करते देख लिया कि ये गड़बड़ी कर रहा है तो उसको रिपोर्ट भेजते हैं PCI को, तो PCI एक नोटिस भेजता है कि तुम्हारा अप्रूवल क्या छीना जा रहा है, तो उसके बाद अब क्या है इसके पास एक चांस बचता है उस इंस्टीट्यूशन के पास उस कॉलेज के पास, वो क्या करे कि रिक्वेस्ट कर ले कि मुझसे गलती हो गई मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उसके पास 3 महीने का टाइम होता है जब उसने PCI ने उसको सेंड किया नोटिफिकेशन, तो उसके बाद 3 महीने का टाइम रहता है कि ये उससे क्या करे रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, उसके लिए क्या है इसको गवर्नमेंट स्टेट को क्या करना सहारा लेना पड़ता है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उसके पास फिर अपनी बात पहुंचानी रहती है कि मुझसे गलती हो गई अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि PCI उसकी बात को मान ले और उसका अप्रूवल को रद्द यानी उसके जो विड्रॉवल है उसको रद्द कर दे, यानी उसको छोड़ दे भाई चलो एक मौका तुमको और देते हैं, तो वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, द PCI अप्रूव अ पर्सन हु गेट एजुकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ हिज एबिलिटी। ये कह रहे हैं कि कोई एक आदमी है जो बाहर से उसने एजुकेशन लिया है इंडिया के बाहर से जाके उसने मान लिया डिप्लोमा किया है, तो उसका कुछ एग्जामिनेशन लेके फिर उसको भी क्या करते हैं अप्रूव उसको क्वालिफाइड कर देते हैं, उसको अप्रूवल दे सकते हैं कि तू भी इंडिया के अंदर अब क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकता है। पाँचवा क्या है द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, पाँचवा काम क्या है कि फॉर द फार्मेसी प्रैक्टिस द PCI रजिस्टर्ड ओनली दोज पर्सन हु आर क्वालिफाइड ट्रेंड एक्सपीरियंसड इन एबो 18 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ उन्हीं लोगों को रजिस्टर करता है जो कि क्वालिफाइड हैं यानी एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर लिया है, फिर उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और उनका एक्सपीरियंस है, तो और वो 18 साल से ऊपर के हैं तब उनको क्या होता है ड्रग लाइसेंस मिलता है। छठा क्या है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, तो ये क्या है द फार्मेसी द PCI मेंटेन ए रजिस्टर इन विच नेम्स ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर मेंशनड। तो ये एक रजिस्टर्ड है जो मतलब ये PCI इसको संभालता है, एक रजिस्टर होता है जो स्टेट लेवल की जो काउंसिल है वो संभालती है, मान लीजिए मुझे अपना नाम उसमें लिखवाना है मुझे ड्रग लाइसेंस लेना है तो मैं डायरेक्ट PCI के पास नहीं जाता हूँ बल्कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके मैं अपना एप्लीकेशन देता हूँ मुझे वहाँ से ड्रग लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन ये जो है
मेंटेनेंस सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है, जिसमें पूरे स्टेट के, पूरी इंडिया के हर स्टेट के जितने फार्मासिस्ट हैं सबका नाम उसमें क्या होता है, मेंशन होता है। तो वो होता है, और ये लोग मतलब मेंशन करते हैं सबका नाम अपने यहाँ पे रखते हैं, रिपोर्ट बना के रखते हैं, पूरी एक मतलब उसकी समझ डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं, मान लिया कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो। ये सेंट्रल रजिस्टर होता है, ठीक। अब एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दी एजुकेशन स्टैंडर्ड आर फ्रेम्ड फॉर द फार्मासिस्ट आर नोन एज द एजुकेशन रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है कि दी एजुकेशन स्टैंडर्ड यानी एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड लेवल जो कि फार्मासिस्ट के लिए बनाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन रेगुलेशन बोलते हैं। यानी एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाया गया, क्राइटेरिया बनाया गया, एक समझिए फ्रेम बनाया गया कि जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनके लिए इस तरीके की पढ़ाई होगी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उसके ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये कि जो फार्मेसी में जाना चाहता है वो इस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी वो कि बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से पढ़ के आया हो या मैथ से पढ़ के आया हो, आर्ट साइड से ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का फार्मासिस्ट के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन रेगुलेशन बोलते हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें जो कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन फार्मेसी कोर्स, ये कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो भी मतलब फार्मेसी करने आ रहा है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जैसे कि वो 12वीं किया हुआ होना चाहिए और क्या है वो साइंस साइड से होना चाहिए, चाहे मैथ्स से हो चाहे बायोलॉजी से हो। तो ये क्वालिफिकेशन ये होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, क्या है कि वो इंटर किया हुआ हो, ठीक है, और किससे हो, वो बायोलॉजी से हो या मैथ से हो। दूसरा क्या है, विच सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स शुड बी स्टडीड, और ये एक चीज़ और तय करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स क्या है पढ़ाए जाएंगे। तीसरा, ये लोग क्या करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन में, पीरियड्स फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी जो थ्योरी की क्लासेज हैं वो कितने मतलब उनके कितने पीरियड्स होने चाहिए, ऐसे प्रैक्टिकल के कितने घंटे होने चाहिए, कितने पीरियड्स होने चाहिए, और क्या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ये तय करते हैं कि मतलब ये कोर्स है, मान लीजिए डिप्लोमा है तो कितना उसके कितने साल का होना चाहिए, मान लीजिए डिप्लोमा है तो 2 साल का है तो ड्यूरेशन उसका तय करते हैं। और ऐसे ही ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग, यानी जो फार्मासिस्ट बन रहा है 2 साल डिप्लोमा कर लिया तो अब वो जाता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए 3 महीने के लिए, तो उसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी ये लोग तय करते हैं। और क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एक्विपमेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, ये कह रहा है कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या इक्विपमेंट्स यानी क्या मशीन है, क्या और जो मशीन वाली चीज़ें होती हैं क्या, और औजार वगैरह होने चाहिए तो वो इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इसको भी ये लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। और क्या दी मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये पार्क्स नहीं है, ये क्या है, मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ये कह रहे हैं कि अगर कोई फार्मेसी कर रहा है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने उसको मार्क्स लाने चाहिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो किसमें आती हैं, एजुकेशन रेगुलेशन में। तो ये सब कुछ कौन तय करता है, ये भी फंक्शन है किसका, एक PCI का, यानी ये सारी चीज़ें कौन तय करता है, वो कौन करता है, PCI करता है। तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका PDF, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।